आज कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरकार कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 1,00,000 करोड़ करेगी खर्च। पीएम किसान योजना के लिए पैसा होगा जारी। राजस्थान में सियासी घमासान जारी। कांग्रेस की बीजेपी विधायकों पर नजर, सूत्रों के हवाले से खबर। कई नेता कांग्रेस के संपर्क में, कांग्रेस ने कहा आज हो सकता है ऐलान। दुष्यंत चौटाला से खटपट के बीच एक्टिव हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर। करनाल में विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा, गांव में भी जाकर लेंगे जायजा। अधिकारियों को देंगे सुविधा बढ़ाने के निर्देश। रोजगार के मुद्दे पर घिरेगी मोदी सरकार। आज यूथ कांग्रेस शुरू करेगी रोजगार दो अभियान। देश के कई राज्यों में 3 महीने तक घूमेंगे कार्यकर्ता, लोगों को रोजगार के प्रति करेंगे जागरूक। आज मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। आदिवासियों को रिझाने की कोशिश में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। आज किया राजकीय अवकाश घोषित। दुमका जिले के लोगों ने की थी सीएम सोरेन से अवकाश की मांग। चीन के खिलाफ व्यापारियों ने खोला मोर्चा। व्यापारी संगठन कैट ने किया चीन भारत छोड़ो अभियान का ऐलान। आज देश के 600 शहरों में होगा चीन के खिलाफ प्रदर्शन। रेलवे में निजीकरण का विरोध तेज। निजीकरण के विरोध में आज रेल कर्मचारी करेंगे रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने सरकार खिलाफ खोला मोर्चा। मोदी सरकार की श्रम नीतियों खिलाफ मजदूरों में नाराजगी। आज मनाएंगे देश बचाओ दिवस। कहा मोदी सरकार ने मजदूरों को ठगा है, उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया। आज होगा उत्तर प्रदेश बीए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को रविवार को यात्रा करने की दी जाएगी अनुमति। परीक्षार्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाकर करना होगा प्रवेश। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आज जनता को करना पड़ेगा परेशानियों का सामना। रविवार को जारी रहेगी पूर्णबंदी। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई।